एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए देखिए बड़ी अपडेट आ गई है। जैसा टेंटेटिव कैलेंडर दिया हुआ था एसएससी का साइट पर, उसके अकॉर्डिंग एसएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया है। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसी के संबंध में नोटिस है। क्या है नोटिस बोर्ड पे देखिए, अभी नोटिस अपडेट हो गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस, नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सेपो इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि एनआईए किस बार वैकेंसी नहीं है, लेकिन एनसीबी किस बार वैकेंसीज हैं 2025 आप देख रहे हैं। नोटिस क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। एसएससी की साइट पर बड़ी अपडेट आ रही है, इंपॉर्टेंट नोटिस। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एंड सेपो इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। एनसीबी की इस बार वैकेंसी आ रही है, ये बड़ी अपडेट है। बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है हमारे उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या इस बार उनके स्कोर कम है, वो बाहर हो गए, या उनको ये लग रहा है कि मैं मेरिट में नहीं आ पाऊंगा। अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। किस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, देखिए यहां पर लिखा है टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024-25। नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सेपो इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स वाज शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 28 अगस्त 2024। 27 अगस्त 2024 को नोटिस पब्लिकेशन होना था साइट पे, लेकिन यहां कहा गया है कि हाउएवर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, प्रशासनिक कारणों से अब नोटिस जो है वो कब इशू किया जाएगा, 5/9/2024 को इशू किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया गया है, एक वीक का लगभग टाइम मिला है आपको। तैयारी में आप लोग अभी से जुट जाइए, टारगेट बना लेना है, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट पहले रखनी है, कौन सी बाद में रखनी है, वो सब आपको अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए अपडेट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।